हे गाइस, कोनिचिवा, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? बहुत दिन बाद ब्लॉग डाल रही हूँ, थोड़ा बिजी थी। और अभी बज रहे हैं दोपहर के, कितना बज रहा है, 3:30। तो सोचा थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट करूँ। और ये देखो दुष्टु सोना, इसको मैं कब से बोल रही हूँ, इसको मैं 3 बजे से बोल रही हूँ, उसके भी पहले से बोल रही हूँ कि थोड़ा सो जा, थोड़ा सो जा। बट ये तो आजकल बहुत नॉटी हो गया है, बिल्कुल बात नहीं सुनता है। उसको जब सोना होता है तभी वो सोता है। क्यों नील, की खोच तुम्हें, घुमाते घुमा चो तो ना, खून कोताए घूमिया चो, चोक तो खोला, चोक खोला क्या। আচ্ছা, তুমি হ্যালো বলে দাও সবাইকে, কেমন আছো, বুঝি গেছো কেমন আছো? সবাই সবাই কেমন আছে সবাই। সবাই কেমন আছো? সবাই তো আজ স্যাটারডে হ্যায়, শুভ আবি ল্যাব গে হ্যাঁ, সুবহ সেই উনকো জানে কা থা, বাট वो भी थोड़ा सा रेस्ट मांगते हैं ना, बट उनका काम ही ऐसा है कि उनको वीकेंड में भी जाना पड़ता है। तो वो अभी सब लंच वंच करके, काम वाम ख़त्म करके अभी थोड़ा सा सोई थी। मैंने सोचा बहुत दिन से मैंने ब्लॉग नहीं किया, तो आज मैं थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और आप सब लोग कैसे हैं मुझे बताइए। यहाँ पे 3 दिन से धूप ही नहीं आया, मेरे कपड़े सूखने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब वो सूख तो जाते हैं, बट वो इतने ठंडे हो जाते हैं, इतने ठंडे हो जा होके रहते हैं बाहर में। कि वो बिल्कुल भी मतलब एकदम गीले नहीं है, बट अगर उसको अभी एसी चलाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए कपड़े पूरे से फैले, थोड़ा सा उसको मतलब अभी घर क्योंकि गर्म है तो सोचा कि थोड़ा सा यहीं पे डाल देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा पन्ना उसका कट जाए तो फिर मैं तय करके रखूँगी। ऐसे ठंड के दिनों में ना, मतलब धूप भी ना आए तो बड़ा मतलब गंदा गंदा सा फील होता है, मन ही अच्छा नहीं लगता। मैं आज सोची थी कि मैं नील को लेके थोड़ा सा बाहर जाऊंगी, बट ऐसा मतलब बिल्कुल क्लाउडी सा वेदर है, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है ऐसे में जाने का। तो मैंने उसको बोला कि तू सो जा, वो बोल रहा है उसको घूमने जाना है, बट आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे बाबा। आज के जाओ ना, कल के बेड़ो जाओ, तापो दुष्ट करे ना, एक तो घूमिए ना, হাসো কেন, তুমি হাসো কেন, ডুকু টুকু করে দুটু 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 করে দুটু। এরকম করে দুষ্টু করো, তুমি কি শোনাতে চাইছো? ও, এবিসিডি বলো তাহলে। अभी हो गई है शाम और ओ अच्छा, तुम एसी बंद कर चो, अच्छा थैंक यू। अभी 4:45 बज रहा है और अब बाहर देखिए अंधेरा कैसा हो गया है। ठंड में ना यही কালকে তাপ পিলো এখন রাত হয়ে গেছে না,
ठंड में यही एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है, बहुत जल्दी शाम हो जाती है, मतलब रात भी हो जा बहुत जल्दी हो जाती है, इतना जल्दी मज़ा नहीं आता ना कहीं जाने का भी, अगर आप सोचो दोपहर में खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट लेके, बट जब तक आप जाओगे और पहुँचोगे वहीं तब तक शाम हो जाएगी, तो यही मुझे ना बहुत गंदा लगता है। समर में ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, ऐसे तो मुझे विंटर बहुत पसंद है। शेक मैंने नील को खिला दिया है और मैं कुछ स्नैक्स खा लूँगी शाम को। आज के डिनर में बनने वाला है, भिंडी। आप लोग भिंडी कैसे बनाते हो मुझसे शेयर ज़रूर करो। मैं भिंडी ऐसे ग्रेवी वाला मुझे पसंद नहीं है, तो मैं एकदम फ्राई टाइप का बनाती हूँ, एकदम ज़्यादा फ्राई भी नहीं। मैं सिर्फ कलौंजी और सूखी मिर्ची तेल में डाल के भिंडी नमक हल्दी बस मैं इतना ही डाल के बनाती हूँ। मुझे वैसे ही भिंडी फ्राई बहुत पसंद आता है और मेरे हस्बैंड को तो भिंडी पसंद ही नहीं आता, तो क्या करूँ मैं। उनको कैसे भी खिलाओ, उनको ग्रेवी करके भी खिला दो, उनको सूखी वाली भिंडी भी खिला दो मसाले वाली, आपके पास कोई रेसिपी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करो, तो शायद मैं वो खिलाऊँ तो उन्हें भिंडी पसंद आए। क्योंकि यार भिंडी तो मोस्ट ऑफ द पीपल को बहुत पसंद है भिंडी, पता नहीं उनको क्यों नहीं पसंद आती है भिंडी बिल्कुल भी। तो आज के डिनर में बनेगी भिंडी दाल और रोटी, और अभी के टाइम पर बहुत थोड़ा सा बोर लगता है, नील को थोड़ा सा पढ़ाऊँगी थोड़ी देर बाद, पढ़ाने बैठूँगी। अकेले अकेले फॉरेन कंट्री में रहना, अगर आपके पास ज़्यादा काम ना हो, काम तो ऐसा बहुत रहता है बट आप निपटा लेते हो ना वो हाउस होल्ड काम, बट वो काम हो जाने के बाद आपको लगता है कि आप किसी के साथ बात करो, किसी के साथ कुछ शेयर करो, तो उसी के लिए ही मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा बात भी हो जाएगा, आप लोग के कमेंट्स पढ़ूंगी, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मैं कमेंट्स पढ़ूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी अपने कमेंट्स, ऐसे करके एक फैमिली बनेगी। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लोनलीनेस नहीं लगेगा, कि मेरे हस्बैंड बहुत बिजी रहते हैं रिसर्च, आप लोगों को तो पता है रिसर्च ऐसे ही होता है। मेरी यहाँ पे भिंडी बनके तैयार हो चुकी है, सिंपल एंड सोबर भिंडी। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और नील ने डिनर कर लिया है। नील को वो भिंडी फ्राई बहुत पसंद है, वो ऐसे चाव से उसको सिर्फ वो भिंडी खिलाते रहो ना वो बहुत अच्छे से खाता है, पर उसके पापा नहीं खाते। एनीवे अभी इंतज़ार चल रहा है हमारे पति देव का, वो आएंगे तो वो कभी कभी ज़्यादा लेट करते हैं तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि
क्योंकि मुझे भूख लग जाती है ना, तो मैं खा लेती हूँ। और देखती हूँ कि अगर 9:30-10 बजे तक आ जाते हैं तो एक साथ ही बैठ के खाते हैं, बट वो बहुत ही रेयर केस होता है, मैं पहले ही खा लेती हूँ। उनके लिए वेट करूँगी तो मेरा लाइफस्टाइल का बैंड बच जाएगा। तो जल्दी ही डिनर करना चाहिए ना हेल्थ के लिए। आपके पास कोई भिंडी की धासु सी रेसिपी है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, उसको मैं बनाऊं और मेरे हस्बैंड खाएं और उन्हें भिंडी से प्यार हो जाए। कुछ दिन पहले की बात है, आप सबको पता ही होगा डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का वो केस, और अभी एनकाउंटर भी हुआ। तो मैंने कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर की है, तो चलिए वो बातें पे शेयर कर लेते हैं। उस लड़की का क्या दोष था आप बताइए? उसके माँ बाप ने इतना पाल पोस के उसको बड़ा किया, डॉक्टर बनाया। एक बच्चे को डॉक्टर बनाना, उसके पीछे कितना डेडिकेशन लगता है, कितनी हार्डवर्क लगती है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है। और अचानक से एक दिन आपको पता चलता है कि आपका बच्चा नहीं रहा, मर गया। मैं उस माँ बाप के बारे में सोच के ही मेरा मतलब मन पूरा अपसेट हो जाता है कि मैं मतलब उनके ऊपर क्या बीतती होगी, क्या चल रहा होगा उनका उनके दिमाग में। आज जो भी कुछ हुआ इसका जो दोषीदार है वो कौन है, क्यों हुआ, कहाँ फॉल्ट रह गया, ये जो रेप नाम का शब्द है ये इंडिया से मिटता क्यों नहीं है। अब वक्त आ गया है उन चीज़ों को एप्लीकेबल करने के लिए। बच्चों को शुरू से हर चीज़ का ज्ञान देना, प्रॉपर ज्ञान देना ज़रूरी है। मैं यही बोलूँगी, लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ मतलब अपने पैर में खड़े हो गए, कमा रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी खुद की रक्षा करनी भी आनी चाहिए। और लड़कों को ये बोलूँगी कि एटलीस्ट एक वुमन को ऑब्जेक्ट ना समझे, वो भी आप ही की तरह इंसान है, वो भी आप ही की तरह जी सकती है, वो भी ब्रेथ लेती है, वो भी इंसान है। आप उनका रेस्पेक्ट करना सीखे, मैन वुमेन दोनों इक्वली एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना सीखे। बिकॉज वी कैन ब्रिंग चेंज, वी हैव टू ब्रिंग चेंज। यहाँ आपको खुद को नहीं बदलना है, आपके माइंड सेट को बदलना है कि अब अपनी वैल्यू करनी है। हम अपनी वैल्यू किसी और पे नहीं थोपेंगे, नहीं चाहिए, हम अपनी रक्षा खुद करेंगे। सेक्स एडुकेशन जैसी चीज़ें, मोरल एडुकेशन, ये सब चीज़ को कंपलसरी करना है हमारे स्कूल के करिकुलम में, कॉलेज के करिकुलम में। हर टीचर्स जो भी मुझे ये देख रहा है, जो भी टीचर मुझे देख रहा है, आप खुद अपने क्लास में थोड़ी बहुत मोरल एडुकेशन अपने बच्चों को देना स्टार्ट करिए। एक बेहतर एडुकेशन ही है जो इस रेप सिस्टम को एक्सटेंड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अब आज चारों रेपिस्ट एनकाउंटर से मारे गए हैं तो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की आत्मा को शांति मिल गई है तो बस केस को ख़त्म कर देंगे, हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, अभी तो असली जंग शुरू हुई है। बहुत हुआ रेप, अब रेप को इस देश से भगाना है। अपने घरों में अपने बच्चों को आप खुद ही एडुकेट करें, क्योंकि आप खुद भी इतने एडुकेटेड आज के ज़माने में तो होंगे कि अपने बच्चे को अच्छी एडुकेशन दे सके। मॉरल एडुकेशन तो आप दे ही सकते हैं, पूरी चीज़ सब बताएं, डिफ्रेंशिएट कराएं, गुड टच बैड टच ये सब कुछ एक बच्चे को पता होना चाहिए। इस देश की हालत अब ऐसी हो गई है कि 8 महीने की बच्ची को भी नहीं छोड़ा जाता और 80 साल की औरत को भी। तो आप जनता ही हैं जो एक चेंज ला सकते हैं, आपको ही वो चेंज लाना होगा अपने बच्चों को एक अच्छा एडुकेशन देके। एडुकेशन सिर्फ और सिर्फ साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स ये सब नहीं, एक अच्छी मॉरल एडुकेशन और एक सेक्स एडुकेशन, हर बच्चे को ये प्रॉपर एडुकेशन्स मिलनी चाहिए।
स्कूल्स में ये स्टार्ट हो करवाना, क्योंकि बस अब नहीं थमना है हमें, अब इस फ्यूचर जनरेशन को एक बेटर और अच्छी ज़िंदगी बिताना सिखाना है हमें। जय हिंद। तो मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये पहला होमली सा ब्लॉग था, हर ब्लॉग में मैं आपको कहीं ना कहीं घुमाने लेके जाती हूँ, कुछ करती हूँ। अनिल का हो रहा है अभी धीरे धीरे स्लीपिंग टाइम, बट जब तक इसके पापा आएंगे नहीं ये सोएगा नहीं। पापा के साथ थोड़ा सा खेलना कूदना है ही उसको रात में, वो कंपल्सरी है। क्यों नहीं बाबा आज बताबे घुमा बे? ओके, तो स्टे ट्यून, स्टे प्रिटी, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। बोल दो बाय बाय। बाय बाय।